الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد इंसान की फितरत का एक तकाजा ये है कि साल में कुछ मौके ऐसे होने चाहिए जिसमें रोज़मर्रा की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, रोज़मर्रा की उलझनें, उनसे इंसान थोड़ी रिहाई पाए, खुशी मनाए, खूब एक दूसरे से खुशी के साथ मुलाकात करें, लोग आए जाएं, एक दूसरे के यहाँ दस्तरखान बिछें, अल्लाह की नेमतें कदर के साथ इस्तेमाल हों और गोया एक त्यौहार मनाएं, खुशी का एक दिन मनाएं। ये इंसान की फितरत है और इसीलिए हर कौम के अंदर कुछ दिन होते हैं जिनमें वो कौम त्यौहार मनाती है। इस्लाम दीन फितरत है, इंसान की फितरत के हर तकाजे को नहायत खूबसूरत तरीक़े पर, खूबसूरत तरीन तरीक़े पर फितरत के इस तकाजे को इस्लाम ने पूरा किया है। और अगर कोई मुख्तलिफ कौमों के त्योहारों और इस्लाम की ईदों का कोई कंपैरिजन करे, कोई तकाबुल करे, तो सिर्फ इसी से ये बात हर इंसाफ पसंद की समझ में आ जाए कि जिंदगी के इस बाब में भी इस्लाम सबसे ज्यादा हसीन, खूबसूरत, आसान, पाक साफ और जिस्म और रूह दोनों को पाकीजगियों और खुशबुओं से मुअत्तर कर देने का निजाम रखता है। हम लोग बड़े गैर जानिबदारी और इंसाफ के साथ जरा दूसरी कौमों के त्योहारों पर नजर डाली, क्या नजर आएगा आपको? गंदगी, बेहूदगी, शराब, जुआ, जिना, फहाशी, फजूल खर्ची और अल्लाह की पनाह। हमारे मुल्क की का जो क्राइम ब्यूरो है, जो जराइम का सालाना रिकॉर्ड रखता है, वो ये बताता है कि हर साल होली के दिन में कम से कम पूरे मुल्क में 50,000 से लेकर 1,00,000 लोग मौत के शिकार होते हैं। इसलिए कि होली और शराब ये लाजिम मलजूम, और फिर जो एक्सीडेंट होते हैं, जो हादसे होते हैं,
उनकी मजमू तादाद 50-60 हजार से 1 लाख तक है। ये सरकारी रिपोर्ट। अल्लाह की पनाह, बहनों की इज्जतें उस दिन भाइयों से महफूज नहीं रहती। और एक मशहूर जुमला है कि बुरा न मानो होली, क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार, जिसकी निस्बत जश्न मीलाद ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद मनाना, ये मकसद बताया जाता है क्रिसमस का। पूरी दुनिया में पूरे साल में जितनी शराब पी जाती है उससे ज्यादा शराब क्रिसमस की एक रात में पी जाती है, उससे ज्यादा जुआ एक रात में खेला जाता है, उससे ज्यादा जिना और अय्याशी माज़ल्लाह उस एक रात में की जाती है। मिसाल के तौर पर ये दो मिसालें काफी हैं, वरना कुछ और कौमों का भी तस्करा किया जा सकता है। अब जरा अपने त्योहारों पर नजर डालिए। ईद उल फितर किस तरह मनाने का हुक्म है और किस तरह मनाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तादाद उन खुशनसीब मुसलमानों की आज भी मौजूद है जो ईद की रात भी तहज्जुद पढ़ते हैं, दुआ मांगने का इहतमाम करते हैं, इसलिए कि उनके कान में ये बात पड़ी है कि रहमत दुआलम सरवर कायनात सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ये बताकर गए हैं कि जिसने ईद की शब में, ईद उल फितर से पहले आने वाली रात में भी अल्लाह का जिक्र किया और इस रात में कुछ जाग कर अपने रब को रमजान की रातों की तरह याद किया तो उसके दिल को अल्लाह जिंदा कर देंगे। और दिल का जिंदा होना ये तमाम नेकियों का जामिन है। फिर सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ता है मुसलमान और उसके बाद इरशाद ये होता है, इस्लाम की तरफ से रहनुमाई ये मिलती है कि रमजान के दिन पूरे तुमने रोजे में गुजारे, आज सुबह ईद उल फितर की सुबह कुछ न कुछ जरूर खाओ, उसके बाद तैयार हो जाओ, गुस्ल करो, अच्छे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ और ईदगाह की तरफ नमाज ईद अदा करने के लिए निकल जाओ और नारे लगाते, शोर मचाते, तालियां बजाते, ढोल बजाते, नाचते गाते मत जाओ, बल्कि तराने तौहीद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाओ। वहां जाकर क्या करो, ईदगाह में पहुंचकर नमाज शुक्र, नमाज ईद अदा करो, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह के जिक्र पर मुश्तमिल खुतबा सुनो, बयान सुनो और उससे पहले सदक़े फितर भी अदा कर दो, ताकि कोई कच्चा पक्का घर, कोई झोपड़ी ऐसी न रहे जो खुशियों से महरूम रहे, अपने साथ दूसरों को भी खुशियों में शरीक करो।
उसके बाद दिन भर एक दूसरे से मिलो, मुलाकातें करो, मुबारकबाद दो, खुशियां, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मसरतों का दिन है। और क्या इनाम मिलेगा तुमको, किस चीज की तरफ तुम्हारी तवज्जो उधर भी रहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईद उल फितर के मजमे को देखकर अल्लाह सा फरिश्तों से पूछते हैं। यही बात ईद उल अज़हा की भी है। फरिश्तों से पूछते हैं क्यों आए हैं ये लोग मेरे बंदे, या क्यों जमा हैं। अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन मोहब्बत तस्किरा चाहती है, मोहब्बत इजहार चाहती है। मुझे और आपको भी किसी का तस्किरा पसंद होता है तो जी चाहता है कुछ बात छेड़े। इतने खुश होते हैं अल्लाह उस मंजर को देखकर। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये आपसे जन्नत मांगने आए हैं, आपके अजाब से छुटकारा मांगने आए हैं। उस वक्त अल्लाह ताला का अजीब अल्फाज हदीस में आते हैं, फबिइज्जती व जलाली व उलूवी मकानी व उलूवी शानी उश्हिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम। अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, अपने जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, अपनी बुलंद मकामी की कसम खा के कहता हूँ, फरिश्तों में तुमको गवाह बना के कहता हूँ कि इन सबको मैंने माफ कर दिया। और एक रिवायत में इजाफा है, और मैंने उनको भी माफ कर दिया जिनके लिए इन्होंने आज दुआ मांगी। क्या ईद उल फितर है, क्या खुशी भी, इबादत भी, त्योहार भी, अल्लाह का जिक्र भी। पाक साफ तरीका, न शोर न हंगामा, न रंग न नाच न गाना, न किसी पड़ोसी को अजियत। ईद उल अज़हा, बकरीद जिसको हम लोग कहते हैं, एक खानदान गुजरा है दुनिया के हर खानदान के लिए आइडियल खानदान। हर खानदान में एक बाप, एक माँ, एक औलाद, इसी से फैमिली बनती है। हर फैमिली के लिए अल्लाह ने एक फैमिली को नमूना बना दिया। तुम बाप हो, पुख्ता उम्र हो चुकी है तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए नमूना है इब्राहिम खलीलुल्लाह। तुम माँ हो, तुम औरत हो, तो तुम्हारे लिए आइडियल है हर औरत के लिए मेरी बंदी हाजरा। तुम नौजवान हो, औलाद हो, नूरे नजर, नूरे चश्म, लख्त जिगर हो, बुढ़ापे का सहारा हो अपने बाप का, तो तुम्हारे लिए नमूना है इस्माइल। क्या शानदार फैमिली है। अल्लाह ताला ने इस फैमिली को कयामत तक याद रखने के लिए ऐसा इस फैमिली से अल्लाह ने प्यार किया है कि पूरा हज, हज का एक एक अमल इस फैमिली की याद है। जहनों को मोड़ देना है उस फैमिली की तरफ। नौजवानों, नाचने गाने वालों को आइडियल मत बनाना। दुनिया को फहाशी से भर देने वाले अदाकारों और अदाकाराओं को अपना आइडियल न बनाना। आइडियल तुमको बनाना है, और हर आदमी का एक रोल मॉडल होता है, एक नमूने का कोई शख्स होता है, शोरी या गैर शोरी तौर पर। हर शख्स किसी की तस्वीर को आंखों में सजा कर और दिल में रचा और बसा कर उसको फॉलो करता है। वो बाल कटाता है उसके तरीके पर, वो लिबास पहनता है उसके तरीके पर, वो चलता फिरता उठता बैठता बोलता है उसके तरीके पर, चाहे उस आदमी को ये पता ना हो कि मैं किसी की नकल कर रहा हूं। लेकिन ये डीप इनसाइट इंसान की अंदरूनी फितरत है कि वो किसी न किसी की नकल करता है।
नकल करना है तो इस्माइल की नकल करो। आदाब फर्जंदी अल्लाहु अकबर, नकल करना है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की नकल करो। क्या जिंदगी थी, मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल सब्र, मुसलसल कुर्बानी, मुसलसल अल्लाह के फैसलों के सामने सर झुका देना। समझाना बुझाना शुरू किया अपने वतन के लोगों को, अपने घर वालों को, तो आग में डाल दिए गए, हलाक करने की पूरी कोशिश की गई। मगर सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कि अल्लाह ताला ने उस बंदे की कुर्बानी और अज़्म और हौसले की कदर करते हुए बराह रास्त हुक्म दिया आग को, या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, आग आज मैं तुझे हुक्म देता हूं इस बंदे को जलाने के बजाय। बर्दन व सलामन, आग तो गर्मी पैदा करती है और अल्लाह कह रहे हैं आए आग, कूनी बर्दन, तू ठंडक का सामान बन जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले जाने वाले थे तो रिवायात कहती हैं कि फरिश्ते हाजिर हुए, और कौन कौन हाजिर हुआ लंबी बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सुनो, मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरा रब मेरी मदद करेगा, मुझे जो कहना है मैं रब से कह रहा हूं। अल्लाहु अकबर। इसीलिए उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसके हटकर अल्लाह ने खुद आग को हुक्म दिया, वरना आग के निज़ाम को चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म देता अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, तौहीद और तवक्कुल की कदर करते हुए सीधे आग से कहा कुलना या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला, हमने कहा, कहलवाया नहीं, तुम औरत हो, तुम माँ हो, तो तुम देखो, देखो उस औरत की हिम्मत, उसका तवक्कुल कि जब इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर तन्हा अपनी बीवी हाजरा को छोड़कर जाने लगे तो उस वक्त उन्होंने कहा अगर आप अल्लाह के हुक्म से मुझे छोड़कर जा रहे हैं इत्मीनान से जाइए, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। कह देना कितना आसान है और सुन लेना कितना आसान है, लेकिन जरा सोचिए, जंगल बयाबान, एक इंसान नहीं, कोई जिंदगी वहां पर मौजूद नहीं, अकेली औरत, दूध पीता बच्चा, छोटा बच्चा जो बहुत अरमानों और दुआओं के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ, उसको अकेले छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन यह है ईमान, इसे कहते हैं ईमान। आप अगर अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, जाइए। और इस्माइल नौजवान, अल्लाह अकबर, उस उम्र में जो तमन्नाएं होती हैं मुस्तकबिल की, अरमान होते हैं, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, उस उम्र में अचानक बाप अपने बेटे से कहता है, इब्राहिम इस्माइल से कहते हैं या बुनई इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, मुसलसल ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुझको तुमको ज़बह कर रहा हूं, लेकिन कुर्बानी तुम्हारी दूसरी मेरी दूसरी, और कुर्बानी किसी के कहने पर कोई नहीं देता, उसकी कोई हैसियत नहीं, जो मजबूरन दी जाए, इसलिए तुम्हारा क्या ख्याल है। बाप बेटे से पूछता है, बेटा कहता है या अबत फाल मा तो उमर, अब्बा जान अल्लाह का हुक्म और उसके बाद मेरी राय, आप तो अल्लाह का हुक्म पर अमल कीजिए और आप देखिएगा सच जितनी इंशा अल्लाह मिनसाबिनी, आप देखिएगा कि मैं किस तरह अपनी गर्दन पेश करता हूं।
बूढ़ा बाप अपने आंखों पर पट्टी बांध देता है अगर ये रिवायात सही है तो, और जिता देता है बेटे को और छुरी तेज करके गर्दन पर चलाता है और कुरान उसका मंजर खींचता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, जब दोनों ने अल्लाह के हवाले अपने आप को कर दिया, वतल्लहू लिलजबीन, और पेशानी के बल पर बाप ने बेटे को लिटा दिया, उधर छुरी चल रही है, अल्लाह अपनी बराह रास्त पुकारते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वना दैना हुया इब्राहिम कद सद्दक्त रुया, इब्राहिम तुमने हमारे इशारे को जो ख्वाब के जरिए हमने भेजा था तुमने बहुत संजीदगी से लेकर पूरा कर दिया उस पर अमल, वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख से पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि गर्दन तो कटी है मगर गर्दन बेटे की नहीं कटी, एक दुम्बे की कटी है, ये क्या हुआ? उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप तसव्वुर तो करें, एक बाप इकलौता बेटा, अब जब वो बच गया, वो तो इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से निकलता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये है वो कलमा। इतना पसंद आया अल्लाह को ये कलमा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत से कह दिया कि तुम पूरे ज़िलहिज के अशरे में तुम ये कलमा पढ़ते रहना, खास तौर पर अय्याम तशरीक में 9 ज़िलहिज की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज की असर तक मुसलसल ये कलमा पढ़ते रहना, और बाज़ उलेमा तो कहते हैं कि पूरे ज़िलहिज के अशरे में पढ़ते रहना। बल्कि यही नहीं, यहाँ हमारे मुल्क में रिवाज नहीं है, मैंने अरब मुल्कों में देखा उसका रिवाज जिंदा है, और ये बिल्कुल सही है कि इन 10 दिनों में मुसलमान एक दूसरे से मुलाकात करें, घर पे आए जाएं, बच्चों से मिलें, किसी से मुलाकात हो तो सलाम के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये है हमारा त्योहार, जिक्र शुक्र इबादत सफाई सुथराई तहारत नजाफत सारे झगड़े खत्म, दिल साफ, मुलाकातें, और फिर उस कुर्बानी को याद रखने के लिए और उस कुर्बानी के से एक रोशनी लेकर खुद जान और माल कुर्बान करना इंसानियत की खिदमत के लिए, उम्मत की खिदमत के लिए, गरीबों की खिदमत के लिए, कमज़ोरों की खिदमत के लिए, तो फिर ये भी फरमा दिया कि कुर्बानी के जानवर का कम से कम गोश्त का एक तिहाई हिस्सा कम से कम ये गरीबों को जाना चाहिए, कम से कम। और क्या अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए, अतअमुल क़ानिअ वल मुअतर, कमाल है तहजीब। अब क्या 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 कहा जाए और क्या न कहा जाए, अल क़ानिअ यानी गरीब को गरीब नहीं कहा अल्लाह ने, गरीब के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया वो बंदे जो कम पर राजी हैं, कनात पसंद हैं। आज का जो बज़ाहिर बहुत महज़ब ज़माना है उसमें माजूर जो इंसान होता है चलने फिरने से देखने से, उसको पहले कहा जाता था कि डिसेबल्ड अंग्रेजी में, फिर कहा जाने लगा फिजिकली चैलेंज्ड कि वो जिस्मानी तौर पर जरा कुछ आजमाइश में है। यानी वो अल्फाज जिससे इंसान की इज्जत और करामत बढ़े न के घटे, कब अल्लाह ताला ने हमको ये अदब और तहजीब सिखाई, गरीब को गरीब नहीं कहा, फकीर को फकीर नहीं कहा, अल खानिया
वो कनात पसंद है। अजीब इशारात हैं, बस मैं क्योंकि वक्त है नहीं ज्यादा, सिर्फ इतनी बात अर्ज करता हूं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ये जो त्योहार हैं ईद, इन्हीं के पैगाम को हम थोड़ा सा अपने अंदर उतार लें। खाली एक दिन कुछ जानवर कुर्बान करना ये ईद उल अज़हा का पैगाम नहीं है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ इन जानवरों का न गोश्त पहुँचेगा न खून पहुँचेगा, ये तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है वो पहुँचेगी। किस कैफियत के साथ तुम जानवर कुर्बान करते हो, किस कैफियत के साथ तुम ईद उल अज़हा मनाते हो, वो कैफियत दिल की जो है असल ईद वो है, असल अमल सालेह नेक काम वो है। इसलिए उसकी तरफ फिक्र करो। माल की ज्यादा मोहब्बत और माल को सही जगह पर खर्च न करना ये कितनी मनहूस चीज है। मैं इसकी सिर्फ एक बात कहकर बात को खत्म करता हूं। इसराइल का नाजायज मनहूस मोहलिक वजूद सिर्फ हमारी मुसलमानों की माल की मोहब्बत का नतीजा है। यहूदी कैसे आए, कैसे घुसे वहां, पोलैंड से आए, इंग्लैंड से आए, जर्मनी से आए, आए कैसे, सिर्फ जमीनें खरीद कर। फलस्तीन के लोगों से जमीनें खरीदनी शुरू की, उलमा समझाते रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना उस अजीम रहनुमा मुफ्ती अमीरुल हुसैनी को, जो हमारे हजरत वालिद माजिद से रो रो कर मक्के में अपनी आप बीती सुना रहे थे कि मैं झोला लटकाए एक एक किसान के पास जाता, एक एक जमींदार के पास जाता, एक एक लोगों को समझाता, खुदा के बंदो इन यहूदियों को ये जमीन मत बेचो, मत बेचो जमीन। लेकिन लोगों ने नहीं सुना, उनका बहुत पैसे मिलेंगे। यहूदियों ने कहा मुंह मांगे दाम, हम देने को तैयार हैं, तुम अपनी जमीनें दे दो। लोगों ने नहीं सुना, एक के बाद एक, एक के बाद एक लोग जमीनें बेचते रहे। उनको अपना मफाद अजीज था, उम्मत का मफाद अजीज नहीं था। इसके नतीजे में, सिर्फ माल की मोहब्बत के नतीजे में खंजर घोंप दिया इसराइल का, और अल्लाह जाने कब तक यह अजाब मुसल्लत रहे। आप माल की बेजा मोहब्बत को मामूली मत समझें। अपने जाती मफाद को तरजीह देना, कौम और उम्मत के मफाद को पीछे धकेल देना, यह मनहूस तरीन आदत है, और उसका जीता जागता सबूत इसराइल ने, किसी ने नहीं सुना। उलमा फतवे देते रहे। हमारे मुल्क में हकीमुल उम्मत हजरत अकदस सानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास अरबों की तरफ से, वहां से इस्तिफ्ता आया, हजरत थानवी से पूछा गया कि जमीनों का बेचना कैसा है। 3 सफ़े का फतवा हजरत थानवी ने लिखा, और सख्त तरीन अल्फाज में लिखा, उन यहूदियों के हाथ में जमीनों का बेचना हराम है, और यहाँ तक के जो उलमा कहते हैं कि कुफर तक पहुंचा देगा, तो हजरत थानवी ने लिखा यह बात भी काबिले गौर है, कुफर तक पहुंचा देगा। बस यह है ईद उल अज़हा का पैगाम, या कुर्बानी देना। कुर्बानी का मतलब अपने जाती मफादात को पीछे धकेल देना, उम्मत के मफाद को, दीन के मफाद को, कौम के मफाद को, उसको तरजीह देना। ये चीज अगर नहीं आई, हजार हम जानवर काटते रहें, खाते रहें सिवाय अय्याशी के, इसका कोई और रिकॉर्ड अल्लाह के आमालनामे में नहीं मिलेगा। इसकी रूह को समझना चाहिए, इसकी असल जो हकीकत है उसको समझना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप भी जरा मेरे साथ बुलंद आवाज में पढ़िए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। और एक आखिरी गुजारिश, आप हर साल ईद उल अज़हा के दिन जिस बंदे सालेह को आप यहाँ देखते और सुनते थे, अफसोस, हजार अफसोस,
कि अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया। अल्लाह खुदा के लिए आज भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, मुस्तकिल दुआ करते रहिएगा। जो इंसानों का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का भी एहसान नहीं मान सकता। मौलाना अब्दुल मोमिन आप रुखसत हो गए, अल्लाह आपकी नेकियों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इस मस्जिद को सदा बहार रखे और इस इलाके के लिए तौहीद व सुन्नत और रुश्द हिदायत का अजीम मरकज बना दे। आप हमेशा के लिए इस मरकज से जुड़े रहिएगा, इस चमन को जिस चीज की जरूरत हो उसे पेश करते रहिएगा। अब वो अल्लाह का बंदा नहीं रहा, बेशक नहीं रहा, मगर जिस अल्लाह के लिए आप करते थे वो मौजूद है और मौजूद रहेगा। मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन कान यअबुदुल्लाह फइन्न अल्लाह हय्युल ला यमूत। रहमत दु आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात के बाद सहाबे किराम के दिल टूट गए थे। उस वक्त सैयदना उमर सैयदना सिद्दीक अकबर ने सहाबा को कैसा संभाला, उन्होंने ये कहा कि देखो तुम में से जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था तो याद रखो मोहम्मद तो दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए, लेकिन जो अल्लाह की बंदगी करता था अल्लाह जिंदा है और अल्लाह कभी नहीं उसको मौत आएगी। आप अल्लाह के लिए जुड़े थे, अल्लाह के लिए आपने आपस में इत्तेहाद की एक फिजा बनाई थी, मसलकी झगड़ों को खत्म किया था। आप सब एक नेक सारे इंसान की मोहब्बत में जमा होते थे, दीन की बातें सुनते थे, इस मरकज को मजबूत रखते थे, इस मदरसे और मस्जिद का ख्याल रखते थे। आप उस दिन के लिए नहीं करते थे, आप अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह आज भी मौजूद है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी फिक्रमंदी, आपका जज्बाती और वालिहाना ताल्लुक, आपका मुखलिसाना ताल्लुक इस मस्जिद मरकज के लिए कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। दुआ करा दीजिए नमाज के बाद, करीम भाई नमाज के बाद दुआ करें या क्या ख्याल है? खुद भी क्यों देर तो नहीं हो जाएगी? तो मैं दुआ अभी थोड़ी सी हो जाए इज्तमाही। سبحانه وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء و رسل آپ کے برحق نبی تھے. اللہ گواہی دیتے ہیں کہ قرآن کتاب برحق ہے, تقدیر برحق ہے, آخرت جنت دوزخ برحق ہے, ثواب اور عذاب قبر برحق ہے. اللہ ان ساری باتوں پر یقین کر لینے کے بعد زندگی جیسی گزرنی چاہیے تھی ابھی تک ہماری زندگی ویسی نہیں بن پائی. معافی مانگتے ہیں, آج پھر توبہ کی تجدید کرتے ہیں, اور اللہ آئندہ کے لیے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے, ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کے اللہ ہم کو تقوی نصیب فرما دیجئے, ہم کو گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ایسے بندے ہم کو عطا کرتے رہیے جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھے ہیں, ہمیں آپ سے جوڑتے رہیں. اللہ آپ کا علم, آپ کو علم ہے, آپ نے اپنے جس بندے کے ذریعے سے اللہ اس مسجد اور اس مرکز کو آباد کیا اور نہ جانے کہاں کہاں تک اللہ نیکی پہنچی, ہدایت پہنچی. اے رب کریم آپ نے اپنے پاس اس کو بلا لیا, دل تو غم سے پھٹا جا رہا ہے مگر ہم آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتے ہیں, بس اتنی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرما اور ان کا بہترین جانشین ہم کو نصیب فرما. اللہ جس گھرانے اور خاندان سے ان کا تعلق
अल्लाह उस सलाने खानदान को क़यामत तक अपने दीन की मुखलिसाना खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह बच्चों को अपने अपने आबाव अजदाद की आंखों की ठंडक बना दीजिए। हे रब्बे करीम, हे अल्लाह, हम अपना गम आपके सामने रखते हैं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अल्लाह आप देख रहे हैं हमारे दिलों का क्या हाल है। अल्लाह अपने करम से अल्लाह हमें थाम लीजिए, हमें इस्तिकामत नसीब फरमा, मिल्लत इब्राहिमी का इत्तिबा नसीब फरमा, अल्लाह आदाब फरजंदी नसीब फरमा, जिस तरह आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम को आदाब फरजंदी सिखाए थे, अल्लाह वही आदाब हमें सिखा दीजिए। ए अल्लाह, इस मस्जिद को, इस मोहल्ले को, इस इलाके को, इस शहर को एक नमूने की बस्ती बना दीजिए, एक नमूने की बस्ती बना दीजिए, अखलाक के लिहाज से भी, हलाल कमाई के एहतमाम के लिहाज से भी। ए अल्लाह, सीरत व किरदार के लिहाज से भी, आपसी खलूस व मोहब्बत के लिहाज से भी। बारे इलाहा, बारे इलाहा, आज का दिन, आज का दिन आपसे मजीद कुर्ब का दिन है। हम सबको अल्लाह अपने कुर्ब के आमाल नसीब फरमा, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के मजमों के बारे में अहादीस सहीहा में आया कि आप फरिश्तों को गवाह बना कर कह देते हैं कि मैंने इन सब को माफ़ कर दिया। अल्लाह हम मिस्कीन, खताकार, गुनहगार, सियाकार, ए अल्लाह हाजिर हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी भी मगफिरत फरमा दीजिए, फरिश्तों के जरिए हमारी मगफिरत का भी ऐलान कर दीजिए। अल्लाह आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा काम बन जाएगा, अल्लाह हमारा काम बन जाएगा। आज सुन लीजिए अल्लाह, आज मान जाइए अल्लाह। अल्लाह आज के दिन तो कोई फकीरों को कुछ दिए बगैर नहीं जाता। अल्लाह हम भी तो फकीर हैं, हम भी तो आपके दर के भिखारी हैं, आप दाता और हम भिखारी, और ऐसे दाता के दरबार से हम जैसे भिखारी खाली हाथ नहीं जाना चाहते। हमें देकर भेजिए, झोलियों को भर कर भेजिए, झोलियों को भर कर भेजिए, अल्लाह हमारी झोलियाँ भर दीजिए, हम मिस्कीन हैं। आपने फरमाया इन्नमा सदकात लिलफुकरा वल मसाकीन। अल्लाह हम फकीर भी हैं, हम मिस्कीन भी हैं, हमें आप खैरात अता फरमा, अल्लाह खैरात अता फरमा, ज़िलहिज की खैरात अता फरमा। अल्लाह यौम अरफा गुजर गया, आज आपके बंदे तवाफ़ ज़ियारत कर रहे होंगे, मीना में होंगे, अल्लाह लब्बैक लब्बैक ख़त्म हो गया, अल्लाह अब तो तराना पढ़ा जा रहा होगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ए अल्लाह एक एक हाजी को कबूल फरमा, और ए अल्लाह ये हज के दरवाजे जो बंद हो गए, ए अल्लाह अपने करम से दरवाजों को खुलवा दीजिए, दरवाजों को खोल दीजिए। ए अल्लाह उम्मत को ये सजा मत दीजिए, अल्लाह दज्जाली दुश्मनों की साजिशों को नाकाम फरमा, दज्जाली दुश्मनों की साजिशों को नाकाम फरमा। हरमैन शरीफैन की जियारत और हाजिरी और उम्रे और हज के दरवाजे खोल दीजिए। ए अल्लाह कब वो दिन आएगा कि हम भी लब्बैक लब्बैक कहते हुए वहाँ पहुँचेंगे, हम भी तख्त जलाल को देखेंगे, मुकाम इब्राहिम को देखेंगे, खाने काबा का तवाफ करेंगे, हजरे अस्वद को चूमेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक ही तो घड़ी मौका था जब गमजदा दिलों को तस्कीन मिलती थी, अल्लाह पूरी दुनिया से उम्मत जमा होती थी, अल्लाह ईमान का एक नई खुराक मिलती थी, और वहाँ से पाक साफ होकर आ जाते थे। क्या अल्लाह हमारी गुनाहों की नुसरत यहाँ तक पहुँच गई, क्या आपने हम पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं? अल्लाह ये सजा मत दीजिए, अल्लाह ये सजा मत दीजिए। गुम्मत खजरा को देख लेते थे, अल्लाह मस्जिद नबी में हाजिर हो जाते थे, रोज़े असर की जालियों के सामने खड़े होकर अल्लाह सरकार रहमत दो आलम से माफ़ी मांग लेते थे, सलात व सलाम की सौगात पेश कर देते थे, कुछ दिल को सुकून हो जाता था। ए अल्लाह क्या अब इस नेमत से हम महरूम कर दिए गए हैं? बारे इलाहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुनिया की इन जन्नतों से हमको महरूम न फरमा, इन सआदतों से महरूम न फरमा। अल्लाह मस्जिद अक्सा के दरवाजे खुलवा दीजिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, और अल्लाह जालिम गासिब यहूदियों को अल्लाह बदतरीन सजा नसादा फरमा, बदतरीन सजा, बदतरीन सजा। और वो जियाले
वो मुजाहिदीन, वो नौजवान, वो कतायब कस्साम के नौजवान, वो हरकतुल जिहादिल इस्लामी के नौजवान, वो हमास के नौजवान, ए अल्लाह वो बच्चे और बच्चियां जो पूरी उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं और जान पर खेल कर और रोजाना जनाजों की सौगात पेश करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं, ए रब करीम उनको पूरी उम्मत की तरफ से जजा अता फरमा और एक बार मस्जिद अक्सा की हाजिरी भी हम सबको नसीब फरमा, एक बार हाजिरी नसीब फरमा। हम भी मेहराब दाऊद में अल्लाह नमाज पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह हम भी उस जगह पर जहां हजरत जकरिया ने जिंदगी गुजारी और सैकड़ों बल्कि हजारों अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, एक बार हम हिंदी मुसलमानों को भी वहां पहुंचा दीजिए, ए अल्लाह वहां पहुंचा दीजिए, ए अल्लाह वहां पहुंचा दीजिए, ए अल्लाह हमको उम्मत का गद्दार न बना, उम्मत से बेवफाई करने वाला न बना, जाती मफाद को उम्मत के मफाद पर तरजीह देने वाला मुनाफिक न बना, मोमिन कामिल बना। एक बार फिर गुजारिश है इस मस्जिद में अब तक जितने आपके सालेह बंदों ने दुआएं मांगी, आंसू बहाए और दुनिया की किसी भी मस्जिद में या हरमैन शरीफैन में, अल्लाह उन सब की दुआओं में हम खताकारों को शरीक फरमा, जो मांगा है वो भी अता कर दीजिए, जो नहीं मांग सके वो भी अता कर दीजिए। और एक गुजारिश और है, हम सब गुनहगारों के नाम लेकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हम सब की तरफ से दुरूद सलाम भिजवा दीजिए, उन पर और उनकी आल पर, उन पर और उनके अहले बैत पर, सहाबा और सहाबियात पर, अज़वाज मुतहरात पर, ज़ुर्रियत तय्यबा पर और उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन पर और उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सबको तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।